हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हूँ मैं, ये है 24 बच्चे की माँ वायरल, जो कि आप लोग देख रहे हैं आज के डेट में 24 बच्चे की माँ। और इनके रियल में 24 बच्चे हैं और इतनी खूबसूरती का राज क्या है। दही मोठा लॉलीपॉप चॉकलेट मैडम का प्यार, आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद। इधर देखिए, हमारे देहाती क्रिएटर न्यूज वाले हैं और आए हैं यहाँ रिपोर्टिंग करने। और इधर एक भाई और हैं फलाने न्यूज से, और ये भी आए हैं रिपोर्टिंग करने सिस्टर का। और हम भी यहाँ पे आए थे सिस्टर के लिए, क्योंकि हम सुन रहे थे कि कुछ लोग कमेंट वगैरह करते हैं वीडियो बनाना गलत बात है, पर हम ये बताना चाहते हैं, बस यही मतलब उद्देश्य देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि वीडियो बनाना कोई भी गलत बात नहीं है। ठीक, आज की डेट में एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सरकारी नौकरी फेल कर देता है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को फुल देखिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे कई सारे लोग हैं और इधर देखिए कैमरा वगैरह चला रहे हैं। हम बारी बारी से सबका नाम लेंगे और सब क्या करते हैं, इनका क्या रोल होता है। और सबसे पहले हम भैया से शुरुआत करते हैं, क्या नाम पड़ेगा? नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार है और अपना ये जो चैनल मैं ही हैंडल करता हूँ जी, और उस पर भी थोड़ा सा लाड प्यार दें और बाकी मैम का पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम है, हर हर महादेव, सावन चल रहा है जी। और मेरा नाम है खुशबू पाठक, मैं हूँ 24 बच्चों की माँ, जिस मतलब इसी नाम से मैं वायरल हुई हूँ। और आप सब मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे मियाँ को फुल सपोर्ट करिए। हमारे मतलब पूरे ग्रुप पार्टनर जो हैं, हमारे सोशल मीडिया के भाई, आप सब प्यार दुलार दीजिए और हमारे बच्चों को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैडम देखिए कितने दूर से आई हैं मिलने, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा दिल जो है ना टुकड़ों में बट जाएगा। नहीं, हम आपका दिल टुकड़ों में नहीं बटने देंगे, ठीक है? आशिक है कौन वो तुम्हें आशिकी हो जिसकी, सायरे है कौन वो तुम्हें सायरी हो जिसकी, हुए हम दीवाने यूं ही तो नहीं, चला कोई जादू कहीं ना कहीं, चला कोई जादू कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोग का इतना प्यार दुलार आशीर्वाद हमारे लिए इतना ही बहुत काफी है। और आप इतना करते क्या हैं आप, आपका इस मतलब कॉमेडी चैनल में आपका सीन क्या होता है भैया? स्क्रिप्ट के अनुसार सारा काम करते हैं, स्क्रिप्ट करना है। अच्छा, स्क्रिप्ट लिखते हैं जी, और बताते हैं कि ऐसे करो और उस वीडियो को एडिटिंग करते हैं जी जी। हमसे मिलके कैसा लगा आपको? आपसे मिलके मैं आज इतना खुश हूँ कि जान लीजिए कि मैं क्या होता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं कई महीने पहले आपसे मिलना चाह रहा था लेकिन नहीं संपर्क हो पाया किसी तरह। अभी जल्दी में हम लोग पूरा अपना मतलब ये समझिए कि पूरे अपने ग्रुप से प्लान बनाए थे कि आपसे मिलने आएंगे। मैडम इतनी अच्छी है कि हमें तो ये समझो कि डर लग रहा था कि हम वहाँ पे जाएंगे मैडम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी, लेकिन मैडम खुद आई जौनपुर से चल के हमारे इस अम्बेडकर नगर जिले में, कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब ये समझो कि जो मेरा भ्रम था वो टूट गया। मैडम बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि समझो कि हम अपने मुख से कुछ बयां नहीं कर पा रहे हैं खुशी के। पता है दीदी, आपको दीदी माने हैं, अब हमेशा जिंदगी भर आपको दीदी कहेंगे जी, हम भी दीदी आपको कहेंगे। और जैसे ना हम अच्छे लोगों के लिए अच्छे हैं, बुरे लोगों के लिए बुरे हैं, क्योंकि कुछ लोग ना मिलने के बाद जाते हैं अनाप शनाप वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे का बुराई करते हैं, जो कि ये नहीं करना चाहिए। हमारे पास टाइम है तो हम आपसे मिलेंगे, टाइम नहीं है तो नहीं मिलेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो कि घटिया टाइप के होते हैं, उनको कुछ करना नहीं होता, क्योंकि एक दो वीडियो बनाते वीडियो नहीं चलता तो किसी का बुराई करके वीडियो चलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर तुम किसी का बुराई करके 4 रुपया कमाओगे, किसी की अच्छाई करके 2 रुपया कमाओगे, जिंदगी में बहुत काम आएगा। ठीक, हम तो यही कहना चाहते हैं कि पनीर पुलाव खाने से बढ़िया है आप दाल चावल खा लीजिए, दाल चावल खाइए, नमक रोटी ना हो तो चटनी पीस के मोटी रोटी बना के खूब चबा के खाइए, उससे सेहत भी बनी रहती है और हाजमा भी दुरुस्त रहता है। अपने मियाँ के खियाई था। अच्छा, मियाँ के हाँ, लेकिन उनका तो वस्त्र अलग जाता है, वो मोटी रोटी कमाल थोड़ी ना है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके भैया भाभी सब के साथ में मिलजुल के, और
आप लोग को अगला भी वीडियो मिलेगा क्योंकि मैं आज यहीं रुकने वाली हूँ जी, आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, जो रिपोर्टर भाई आए हैं वो चले जाएंगे, मैं अकेले यहाँ पे रुकूंगी, आप लोगों के साथ में आलू का पूरी खाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है आलू का पूरी। जी जी, अभी तो मैं जौनपुर में रह रही थी, हालांकि वहाँ से कुछ बातें हुई तो वहाँ से रूम खाली करके हम दूसरी जगह रूम ले लिए हैं, और घर में नहीं रहते हैं। घर में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि जमन गति तहार तमन गति हमार, हमारो गति बहुत अगति है। घर परिवार वाले ना जान ला कि एकदम से वीडियो बनाए थे ना, तो बहुत खिलाफ रहा थे हमारो, इतना मतलब इतना बात सुने के पड़ा था वीडियो बनाने के चक्कर में, हम कहा बताएं। लेकिन इधर देखिए कुछ बहनी लोग हैं, कहाँ से आई हैं, कुछ परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए पूरा। पिपरा से आए हैं, सीमा यादव जी नाम है, आए हैं हमारे चैनल का, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है सीमा यादव 9984। और हम सुने थे कि दीदी आ जाएंगी, इसीलिए इनसे मिलने के लिए हम बहुत उत्सुक थे, और इनसे मिलकर के हमको बहुत ज्यादा खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी हुई। दोस्तों, इनका ब्यूटी पार्लर है, मैं तो यहाँ रहूंगी, कल जाऊंगी इनके ब्यूटी पार्लर में, आराम से थ्रेडिंग वगैरह कराऊंगी, और तब परसों यहाँ से निकलूंगी। और आइए, क्या नाम पड़ेगा बेटा जी? नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनी यादव तिलक टन्ना से हूँ, और ये जहांगीरगंज, हाँ वही जहांगीरगंज गांव का नाम तिलक टन्ना है। बस यही वीडियो बनाती हूँ भैया के साथ में, कॉमेडी में जी, अपना सब लोग साथ में बनाएंगे ना तो सफलता मिलेगी। ठीक, तो साथ में रहते हैं मैडम, लेकिन साथ में रहिए, साथ में वीडियो बनाइए, दिक्कत किसी किसी को ना होती है। दिक्कत जो है मतलब कि हर कोई नहीं, लेकिन कोई कोई ऐसा रहता है, बस वही एक सोच है जी, जी, जी। नजरिए की सोच। अभी आपने अगले वीडियो में बोला था कि आंखें जो अच्छी चीज नहीं देखती, बुरी चीज जल्दी से देख जाती जी, है, तो एक ही पहलू ना देखिए, जैसे सिक्के बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप नो मुझसा बुरा ना कोई। ठीक, तो हम वही तो बोले थे कि लोगों को अच्छी चीजें कम दिखाई देती हैं, बुरी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन अभी हालात जो कैसे है कैसे नहीं, ये कोई नहीं जानता। अभी कुछ अगर घट जाए कोई नहीं पूछेगा कि आपको क्या घटा, आपको क्या चाहिए क्या ना चाहिए, लेकिन अगर कोई कमी पड़ गई, अभी आप फटा कपड़ा पहनी है तो 10 मुंह बनाएंगे, अरे देखो अंट नहीं रहा है, क्या कर रहा है, मन से दुजू है, यही बात है ना, कोई देने वाला नहीं लेकिन उंगली उठाने वाले सब। आप अच्छे से वीडियो बनाइए, मैं आपका सपोर्ट करूंगी, और आप एक न एक दिन कॉमेडियन की सुपर स्टार बनेंगी, ये मेरा आशीर्वाद है। कोई कुछ कहता है आप उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि चाहे हमारे नात रिश्तेदार हो, चाहे आपके नात रिश्तेदार हो, चाहे भाई बहवाद हो, अगर हमारा वक्त खराब है तो कोई साथ कोई देने वाला नहीं, नहीं, नहीं। हमारे पास 4 पैसे हैं तो हमारे साथ 4 लौंडे घूमेंगे, नहीं है तो कोई नहीं घूमेगा, जो बात है। और हाँ, एक बात और है, जब हम वायरल चलेंगे तो तमाम लोग हमारा इंटरव्यू करेंगे, हम वायरल नहीं चलेंगे तो कोई नहीं करेगा, कोई ये बात सत्य है कि नहीं? सही है, सही है। आज आप वायरल ना होती तो पहला लेकिन हमारे साथ पहला ऐसा हुआ है कि बिना हम वायरल हुए हमारा पहला इंटरव्यू हुआ और वही इंटरव्यू हमारा वायरल हुआ। वही हाँ सही है कि बिना वायरल हुए हम मतलब ये भैया आइए, भैया काहे नहीं आ रहे हैं, वायरल करने वाले हमारे भैया बोरा सिंह, नमस्कार, आप लोगों को दिल से जो है नमस्कार करते हैं। और ये देखिए रंजना यादव जी हैं, जौनपुर की धरती से आई हैं, और भाभी से मिलने कहीं ना कहीं लोग जो है धीरे धीरे एक एक दिन जो है 10-10, 20-20 लोग आ रहे हैं, और ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो हम एक रास्ते से जा रहे थे, इन लोगों को देखे हम काफ़ी खुशी हुआ कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इनका इंटरव्यू यार क्यों ना करें, तो इंटरव्यू करते हैं। और भाभी रातों रात वायरल होती हैं और ये अपनी जो है सच्चाई भी बताती हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है, मैं दोबारा आके इनके घर पे एक और इंटरव्यू करता हूं, और उसमें जो है 24 बच्चे जो है जो वाली बात थी उसमें कुछ सच्चाई भी मुझे मिली यहां पर, और गांव के लोगों से भी पूछे तो गाँव के लोग भी बताएं, हालांकि जो भी है गांव के लोगों द्वारा हमें कुछ पता चला। और बाकी ये जो है देखिए यहाँ पे इनकी टीम है, इन लोगों को प्यार दुलार दीजिए, बाकी रंजना यादव जी को यही भैया है, काफी बड़े चैनल हैं, हमारा जो पहला इंटरव्यू लिए थे कि हम बिना वायरल हुए इंटरव्यू, यही भैया है जो लिए थे, और हम रातों रात समझो कि वायरल हो गए हैं। सबसे पहले भैया आपका भी धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद, आप पार्टी कब करेंगे? बिल्कुल जब से कहिए तब करेंगे। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू,
बुझ कर न बुझ पाए जो वो प्यास है तो तुझे मैं भुला ना सकूं मेरी बेबसी है तू मेरी जिंदगी है हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखिरी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है इस खुशी की तू ही प्यार तू ही चाहते तू ही आशिकी है तू मेरी जिंदगी काहे रंजना रहा है रंजना ना करा इंटरव्यू तो से पहले किया है रंजना समझा तो कर दे यार सब कर पर्चे बता दे अभी कुछ बच्चे लोग बचे हैं नहीं बताए आइए कुछ आपका भी पर्चे जान लेते हैं सबसे पहले आपको प्रणाम नमस्कार सभी दोस्त भाई लोगों को नमस्कार प्रणाम मेरा नाम है सूरज सोना मैं एजी टेम पे काम करता हूं अपना एजी मेरे चैनल का नाम है आप लोग प्यार दुलार देते रहिए जिस तरह मैम को देते हैं पूरे सभी पार्टनर लोग को सपोर्ट करिए अपना एजी चैनल है और बाकी पर्सनल किसी किसी का है और मेरा है करिया पाठक और ब्लॉग आप लोगों को ब्लॉग देखना होगा ब्लॉग देखना होगा आप लोगों को तो सूरज सलोना सर्च करना पड़ेगा ब्लॉग आ जाएगा जी एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो सिस्टर इनका चैनल है हम बोल रहे हैं आप लोग सपोर्ट करिए करिया पाठक 4850 करिया पाठक 4850 आप लोग इस सिस्टर का चैनल का सपोर्ट करिए 24 बच्चे हैं बेचारी के कैसे पालन पोषण करेंगे और इंस्टाग्राम का है राजा पाठक 86 आप लोग सपोर्ट इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी है राजा पाठक 86 ठीक है और बताइए भगवान किसी को एक भी बच्चे नहीं देते हैं किसी को देता तो 56 फाड़ के दे देता है हमें 56 फाड़ के दिए हम खुश भी हैं देने वाले ने भी क्या क्या दे दिया है बहुत अच्छा अच्छा दिया है पता है आप लोगों से मिलके ना मुझे कुछ कुछ मतलब बहुत अच्छा लगा और कुछ होने लगा है होता है